हमको लगा सकता। गाड़ी ऊपर चढ़ चुकी है, हमें भी जाना पड़ेगा दौड़ के। सही नहीं है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हो, रोड लेस ट्रेवल, सचमुच जो हम ट्रिप में गए थे मधुबनी, हमने वैसा रास्ता पकड़ लिया जो सचमुच रोड लेस ट्रेवल था। क्योंकि पता नहीं गूगल में हमें किधर ले गया और पूरा खेत के रास्ते होते हुए कहाँ कहाँ चले गए हमें भी नहीं पता। तो छोड़ो, अब वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के बाद। बाकी जो भी होगा वीडियो के बाद बताते हैं क्या हुआ, वो आप देख लो एक बार। वेलकम बैक टू माय चैनल भागलपुरी ब्लॉग्स वंस अगेन। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम रास्ते में हम निकल चुके हैं। थोड़ा सा हमने ब्रेक ले रखा है। हम आज जा रहे हैं मधुबनी। मधुबनी के बारे में मुझे ज़्यादा तो पता है नहीं, जैसा कि मैंने सुन रखा है वहाँ मधुबनी पेंटिंग वहाँ की खासियत है। मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं जो भी मंदिर वहाँ पर है मैं उनके दर्शन आपको ज़रूर कराऊँगा। कोशिश यही रहेगी मुझे टाइम थोड़ा मिल जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ, और जो भी वहाँ जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। मधुबनी पेंटिंग मुझे बहुत दिनों से देखने का मन था, तो देखते हैं वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग क्यों फेमस है इतना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, हम लोग रास्ता पूरी तरह भटक चुके हैं। गूगल मैप हमें कहां से कहां ले गया हमें भी नहीं पता। तो अब हम लोकल से की मदद से ही अब मधुबनी पहुंचने वाले हैं। अब कितनी देर लगेगी ये हमें पता नहीं। आशा करता हूं कि शाम ना हो ताकि आप लोगों को कुछ मैं वहां दिखा सकूं, क्योंकि अगर शाम हो गया तो शायद आप लोगों को कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मुझे रात में ही वापस होना है। तो देखते हैं हम कितनी बजे मधुबनी पहुंचते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसा रास्ता है, कितना मैं डोल रहा हूं रास्ते पे। अरे दिखाता हूँ मैं रास्ता, ये देखिए। अरे बोलिए नहीं, हम लोग रास्ता बिखरा गए। हेलो, ये ले गाड़ी फंस गई लेकिन चलिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता। हम लोग नदी में छोटा तालाब बगल में आप देख पा रहे हो। कहाँ जाना है पता ही नहीं चल रहा। बाबा भी साथ में है, रास्ता है कि नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा। दिखाते हैं आपको, ये देखिए कौन रास्ता है। वो हमारी गाड़ी, वो देखिए। हमको लगा सकता। गाड़ी ऊपर चढ़ चुकी है, हमें भी जाना पड़ेगा दौड़ के। सही नहीं है, नदी बीच में जा रहे हैं, खाली नदी मिल रहा। खेत खलियान दिखा दीजिए, नदी दिखा दीजिए, मैं नदी के पास हूँ। नदी के बगल से मैं जा रहा हूँ, ये मेरा भारत महान। हमने जो भी नाश्ता किया था वो सारा लगता यहीं पचने वाला आज। पच गया है, पचने वाला है। अब देख पा रहे हो कितना कैमरा हिल रहा है, मैंने स्टेबल रखा फिर भी कैमरा हिल जा रहा है। ऑटो में डीजे लाइट, वाह। पिछले दो घंटे से हम एक ही जगह फंसे हुए हैं, इतनी बुरी ट्रैफिक है कि हम पिछले दो घंटे से ऐसे निकल नहीं पाए। पहुंचना तो दूर की बात, यहाँ से भी है अभी मधुबनी लगभग एक घंटे का रास्ता है। अभी हम बहुत बुरी तरह ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कितना देर लगने वाला ये पता नहीं। बहुत कोशिश करके तो हम दो घंटा बिता पाए इसी ट्रैफिक में। खाने का ना कोई ढंग का होटल, ना कुछ नहीं मिला हमें। भूख बहुत जोर की लगी पड़ी है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक है। मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ट्रैफिक है, एक बार रुक जाओ आप लोग। तो मैं रेस्टोरेंट अब आ चुका हूँ, अपने रूम मेरा बगल में ही है। बालकनी से आके थोड़ा सोचा सबको बता दूं मैं होटल पहुंचा। सोचो आप लोग, 8 बजे सुबह मैं चला था, अभी बजे 8 बजे पहुंचा हूं मैं।
मार्केट भी घुमाऊंगा, थोड़ा देखता हूँ मैं, अगर कुछ खुला रहा तो दिखाऊंगा फिर आप लोगों को। तो रास्ता भटकते भटकते अब हम मधुबनी पहुंचे हैं। अब हमें पहुंचते पहुंचते बच चुका है 8, तो थोड़ा सा हम मार्केट निकले हैं अभी देखने के लिए कैसा माहौल है यहाँ का, क्या क्या यहाँ है। चलिए मार्केट में जो जो होता है हम आपसे दिखाते हैं आपको, जो भी मार्केट में जो भी होगा आपको उनसे रूबरू जरूर कराएंगे। अभी मार्केट घूमते घूमते हम आ चुके हैं। अब हमने यहाँ के बारे में सुना है मखाना बहुत अच्छा होता है, तो अभी हम आए एक दुकान में, देखते हैं मखाना कैसा है, किस क्वालिटी की है। हमारे साथ आए ये रंजीत जी, हमारे रंजीत जी, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, आपको दिखाते हैं यहाँ का मखाना कैसा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पता नहीं गूगल में हमें कौन से रास्ते ले गया, वो रास्ता था ही नहीं, वो सिर्फ खेत था, रोड भी मिल थे ही नहीं, कहाँ कहाँ हम चले गए। तो हम शुक्रगुजार हैं बस लोकल्स के, क्योंकि लोकल्स के वजह से ही हम वहाँ पहुँच पाए थे, उन लोगों से ही रास्ता पूछते पूछते हम पहुँचे। तो मधुबनी जैसे कि आपने देखा, मैं तो 8 बजे रात में पहुँचा, ज़्यादा कुछ तो मैं पता कर नहीं पाया था वहाँ पे, बट हाँ कुछ चीज़ मुझे पता चली है। जैसे मधुबनी का 3 चीज़ बहुत फेमस है, मखाना बहुत फेमस है, वहाँ का मीठा पान बहुत फेमस है, और मछली वो भी वहाँ की बहुत फेमस है। मुझे ज़्यादा कुछ तो मुआयना करने को मिला नहीं वहाँ पे, क्योंकि रात में हम गए, शादी अटेंड करी और हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, जो सिर्फ मधुबनी को ही एक्सप्लोर करेंगे हम, वो मेरा सोलो ट्रिप होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।